जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों ने ली शपथ। नेहा यादव ने संभाला अध्यक्ष पद का प्रभार। जिला पंचायत अध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्यों के लिए शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम का आयोजन जिला पंचायत कार्यालय के बाहर प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन सौभाग्य का दिन है। मैंने आप सबके आशीर्वाद से शपथ ली है। अब मैं अपने नए सदस्य के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्याम प्रसाद मुखर्जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर अंत्योदय की भावना के साथ काम करूंगी। मेरा लक्ष्य रहेगा कि सबका साथ सबका विकास। इस अवसर पर मंच को कैबिनेट मंत्री सुरेश राजखेड़ा, वरिष्ठ भाजपा नेता हरवीर सिंह, रघुवंशी महेंद्र सिंह यादव, पूर्व विधायक कोलारस ने कहा कि दादा परिवार की बेटी आज जिला पंचायत अध्यक्ष नवनिर्वाचित हुई। मुझे बड़ी खुशी है। दादा परिवार द्वारा अभी तक शिवपुरी जिला पंचायत 5 बार अध्यक्ष विराजमान कराने में जनता जनार्दन से जो सहयोग प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी नाम कामना महत्वपूर्ण है और पूरी ईमानदारी के साथ काम करे। यदि एक बार ब्रांड खराब हो गया तो वह हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। पूर्व विधायक ओम प्रकाश खटिक सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर जिलाधीश ने समस्त नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष बधाई दी। मंच पर समस्त सदस्य को शपथ एडीएम नीतू माथुर द्वारा दिलाई गई। समस्त और निर्वाचन सदस्य का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। मंच का संचालन ग्रीष्म मिश्रा मामा द्वारा किया गया। क्षेत्र से वो भी बने थे और मुझे पता है कि उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। उनको याद करना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मैं उनकी पोती हूँ। शायद मैं यहाँ इसलिए ही खड़ी हूँ क्योंकि मैं उनकी पोती हूँ। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि उन्होंने एक शून्य से स्टार्ट करने के बाद इतना बड़ा पद हासिल किया, जो शायद ही है हम में से कोई शून्य से स्टार्ट करने में सफल हो पाए। इसके बाद मैं हमारे सबसे प्रिय, जिनकी आशीर्वाद से मैं शायद नियुक्त हो पाई या फिर मेरे अंदर एक नेता बनने की इच्छा जागरूक हुई, हमारे प्रिय केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिराजय सिंधिया जी, जिनके वजह से आज मैं यहाँ हूँ, जिनके आशीर्वाद की वजह से यहाँ हूँ, और हमारे प्रभारी श्रीमंत महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, जिनके मार्गदर्शन की वजह से मुझे यहाँ तक पहुँचने में सफलता मिल पाई। इसके बाद मैं सबसे मेरे प्रिय पिताजी और यहाँ पर मंच पर बैठे सभी सदस्य, जिन्होंने मुझे जनपद अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में जो भी अपना योगदान दिया है, मैं उस योगदान को कभी नहीं भूल पाऊंगी। और मैं आभारी हूँ इस पंडाल में बैठे हुए सदस्य समस्त साथियों, जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। आपके सहयोग के बिना भी मेरा यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन था। इसके